बैग का रिमूव करेंगे, तो इनके लिए हमने दो बैग ले लिए हैं, हैंडल साइड से इसे कट कर लिया है। इसकी लंबाई है 15.5 इंच, हमें चौड़ाई इसकी 25 इंच लेनी है। तो इस तरह से हम दोनों को इसमें बीच में ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें इनके साइज़ का फैब्रिक कट करना है, तो हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है और इन दोनों को बैग को रखते हुए इस तरह से 25 इंच में इसे कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की। देखिए हमारे 25 इंच है, अब हम फैब्रिक की कट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक कट हो गया है। अब हम फिर स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इन दोनों बैग को इस बीच में स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया इनको, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ फोल्डेड साइड पे हम एक 3 इंच का स्क्वायर मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए ये हम मार्क कर लेते हैं इसे, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो चलिए मार्क कर लिया, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसे कटिंग कर लिया, सेम इसी तरह से इसी पीस को रखते हुए इस साइड भी कटिंग कर लेते हैं। ये हम मार्क भी कर सकते हैं और इस तरह से रख के भी कटिंग कर सकते हैं, तो आपको जैसा रख पसंद है वैसे करना। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली, इस तरह से कटिंग हो गई हमारी। हम इसे ओपन करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से इसको इस साइड से अंदर की साइड इधर से करेंगे और ब्लू वाली साइड हम बाहर साइड में रखेंगे इस तरह से रख के। अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं, इस पिन लगा के सेट करके फिर इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार हमने इसमें पिन लगा लिए। अब हम इसको कैरी बैग को और फैब्रिक को चारों तरफ से सिलाई लगा के तो आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसे स्टिच कर लिया है, देखिए स्टिच हो गया। अब हमने यहाँ पे लगभग 1 इंच पे साइड से मार्क किया है ऊपर के साइड से, और डाउन करते हुए इसे कट कर देना है। ये मार्क हमें पहले करना था, बाद में भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ बाद में किया है। तो इसको दोनों साइड से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे 2 स्ट्रिप लिए हैं जिसके हम हैंडल बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 3.5 इंच चौड़ा और 17 इंच लंबा फैब्रिक लिया है, 2 पीस लिए हैं। इसमें हम कैरी बैग का पीस रखते हुए इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे इसमें, इस प्रकार रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ओके, सेम इस तरह से हम दूसरा वाला भी स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ दोनों स्टिच हो गए हैं। अब हम यहाँ पे पहले हैंडल को स्टिच करेंगे। तो हमने 3.25 इंच पे इस साइड मार्क लगाया, 3.25 इंच पे इस साइड, इनको रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। तो चलिए हम इसे स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। देखिए सेम इस तरह से हम दूसरे वाली साइड भी स्टिच कर लेते हैं, यहाँ भी स्टिच हो गई। अब हम सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड हैंडल भी स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे, तो हम जिप इस तरह से उल्टा रखेंगे, साइड में सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ आप दूसरा फैब्रिक लगा के इसे फोल्ड करके इसको स्टिच कर सकते हैं, इससे इसमें धागे नहीं निकलेंगे। मैंने यहाँ स्टिच नहीं किया है इसमें, इस पलटते हुए इसको उल्टा करते हुए दूसरी साइड भी जिप स्टिच कर देंगे। देखिए स्टिच हो गया, जो भी एक्स्ट्रा से हम कट कर लेते हैं। देखिए कट हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, हमें जिप के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगानी है जिससे जिप अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए लगाते हुए सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर, सेम इस तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह रखेंगे और दूसरी साइड में हम सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ एक लेस स्टिच करेंगे। तो ये लेस हमने एक कुर्ते में से निकाला था, वही ओल्ड लेस स्टिच कर रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसे स्टिच कर लेते हैं, ऊपर से रखते हुए स्टिच कर लिया हमने। वहीं हम डबल सिलाई लगाएंगे, तो हमने डबल सिलाई का इसमें रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा है से हम कटिंग कर देते हैं। ये धागे निकले हैं, इसे भी कट कर लेते हैं। अब हम इसे उल्टा करेंगे, देखिए हमने उल्टा कर लिया और ऊपर की साइड से हमें यहाँ नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे।
ऐसे से ऐसे सिलाई लगा देते हैं, ये लगा दिए। सेम इस तरह से हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए हमने साइड भी स्टिच कर लिया है। अब हमने एक ही जो शॉपिंग बैग है इसमें से कटिंग थी ऊपर की साइड से, उसमें से एक पतली सी स्ट्रिप कट की, फिर हम इसे स्टिच कर देते हैं। देखिए सेम इस तरह से हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। देखिए स्टिच हो गया, दोनों साइड स्टिच कर लिया है। और हम नीचे के साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, दबाते हुए स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड भी स्टिच कर देते हैं। देखिए ये हमारा स्टिच हो गया है। जैसे हमने इसमें स्ट्रिप लगाई थी, इस तरह से इसमें भी लगा के फिर स्टिच कर लेते हैं। देखिए ये हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इस यहाँ भी दूसरी साइड भी हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी हमने स्टिच कर लिया, दोनों साइड हमारा स्टिच हो गया है। ये बैग रेडी हो गया है। इसको जिप के साइड से हम ओपन करते हुए सीधा कर लेते हैं। देखिए बैग हमने सीधा कर लिया है, सीधा करके कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये भी धागा दिख रहा है, इसमें कट कर लेते हैं धागे को। देखिए इसमें बहुत अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छे से बड़ा बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे के साइड से कुछ इस तरह से, इसमें हम नीचे के साइड कोई कार्डबोर्ड भी डाल सकते हैं, पॉलीथीन में रैप करके नीचे के साइड हम डालेंगे तो इसे एकदम अच्छे से खड़ा सा रहेगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।